हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं NPSL और अदर जो DE प्लांट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसी सीरीज़ में मैंने आप सभी कैंडिडेट के लिए NPSL GK PYQ क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPSL GK PYQ क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके NPSL में GK के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार GK की तैयारी करनी है। तो इसके अलावा भी हम आपके लिए मैथमेटिक्स, साइंस और अदर वीडियो भी लेके आएंगे इस सीरीज़ के अंदर। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो जो भी चैनल पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। IPL लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं इंडियन प्राइम लीग, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, इंडियन प्राइमर लीग, प्रीमियर लीग और इंडियन पावर लॉ। आपका इसमें आपको साथ साथ के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, इसका आंसर है इंडियन प्रीमियर लीग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है दिसपुर, कोहिमा, लोंग और ईटानगर। आपको आंसर कमेंट करना है, कमेंट कीजिए जल्दी से। आपके इसका करेक्ट आंसर होगा लोंग। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन इस प्रकार है आपके रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, इंदु मल्होत्रा, KKM जोसेफ। आपको अपना आंसर कमेंट करना है। इसका आपके करेक्ट आंसर आपके रहेगा रंजन गोगोई। ये जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री को मजबूरन लौटाना पड़ा था। आपके ऑप्शन अभिनव, अभिमन्यु, अभिनंदन और अभिषेक। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा अभिनंदन, श्री अभिनंदन सिंह को पाकिस्तान द्वारा लौटाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इस प्रकार है नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अपना आंसर कमेंट कर जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा नागालैंड। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन 545, 543, 542 और 541। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार रहेगा, भारत में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ये कुल जो सीट है वो 545 है। इसमें दो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गरुड़ देश के एयरलाइंस का नाम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, भूटान, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया। आपको अपना आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडोनेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इस शहर में कुंभ का मेला प्रारंभिक रूप से नहीं लगता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, उज्जैन, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाराणसी। बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम एटीएम का मतलब है एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक आपके एनसिक्रोनस ट्रांसफर मशीन। आपके इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह उड़ीसा के तट से टकराया था। ऑप्शन तितली, पानी, उदूद, नीलोफर। इसका आपके करेक्ट आंसर है पानी। आज के इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए जीके के जो अभी करंट अफेयर हैं वो भी लेके आने वाले हैं, और इसके अलावा अदर वीडियो भी लेके आने वाले हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, अगली सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक यू।